हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। आज फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आक्रमण करते हुए कहा है कि मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने की बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है, कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट। इसी के साथ विभिन्न पेपरों के खबरों की कटिंग के साथ वीडियो भी अटैच किया है। इस ट्वीट पर अपने ओपिनियन देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता विशाल यादव और बीजेपी के नेता मोंटू अग्रवाल। देखिए क्या कहते हैं। आज राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया। मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार लगातार इस कोरोना के बीमारी में लगातार काम करते हुए आ रही है और रात दिन हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी जो 24 घंटे में से 20 घंटे देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं और ये कोरोना महामारी के इस पर मोदी जी लगातार पूरे देश में अपने विचार और अपने विचार रखते हुए हर नागरिक का बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। इस संकट के घड़ी में आज पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और इस कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल गांधी जी जो सरकार के ऊपर जवाब सवाल कर रहे हैं, इस देश संकट के उस पर लड़ रहा है। राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ कि देश में 70 साल में आपने क्या किया, इस मोदी जी ने 7 साल के अंदर जो 70 साल के अंदर तुमने जो काम नहीं करके दिखाया है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है और अखंड भारत की ओर बढ़ते जा रहा है। इस बात को लेकर कांग्रेसियों को बाहर नहीं रहा है कि देश में कैसे चल रहा है। मोदी सरकार इतना अच्छा काम करने के बाद भी इनको कांग्रेसियों को ये लग रहा है कि आगे जाके अपनी और स्थिति खराब नहीं कर दे मोदी जी। अंदाज में बताया था कि 1 ट्रिलियन जीडीपी बढ़ाई है, 70 साल में ऐसा नहीं हुआ। और मूर्खता को समझे, यूपीए के टाइम डॉलर का एवरेज 55 रुपए था, मोदी जी के समय 70 रुपए, तो 1 ट्रिलियन डॉलर हुआ 55 लाख रुपए का, 2.5 ट्रिलियन डॉलर हुआ 137.5 लाख करोड़ रुपीस। मोदी के समय डॉलर का एवरेज 70 रुपए है तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर हुआ 175 लाख करोड़ रुपए का। यानी रुपए कमजोर होने के कारण जीडीपी की वैल्यू बढ़ी हुई दिखती है, इसलिए अलग अलग प्राइस पर जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है। एसबीआई की रिपोर्ट के कैलकुलेट व एडजस्टेबल 10.5 रहने का अनुमान लगाया गया, यानी 20 लाख करोड़ रुपए हमेशा के लिए खत्म। दूसरी तिमाही 12 से 15%, तीसरी तिमाही 5 से 10%, चौथी तिमाही 2 से 5% रहती है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।